Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you'll be doing very well. This is our next lecture for English. Today we are going to learn about my pet. Okay, this is a short essay. We are going to write a few lines about my pet today, and we will learn how to write about something. Look at this. I have a pet cat. ठीक है, आप अपनी चॉइस का या अगर आपका कोई और पेट है तो आप उसको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, आई हैव अ पेट कैट, आई हैव अ पेट पैरट, आई हैव अ पेट पिजन और वट एवर यू हैव. ठीक है, आई हैव अ पेट कैट. ठीक है, नाउ वट नेक्स्ट कैन बी समथिंग. It can be its name. Its name is Mano. ठीक है, आपकी कैट का कोई और नेम भी हो सकता है जो भी आपको पसंद हो. ओके, देन इट हैज ब्लू आइज. फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अच्छा वो देखने में कैसी है. ठीक है, जो हमारा पेट है वो देखने में कैसा है, उसके हेयर कैसे हैं, उसके ईयर्स कैसे हैं, उसकी टेल कैसी है. ठीक है, वो फ्लफी है, वो थिन है, वो फैट है. ठीक है, हम उसकी लुक्स को डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा वो दिखने में कैसा है. देन इट ड्रिंक्स मिल्क. ठीक है, फिर हम ये भी बता सकते हैं कि उसको क्या चीज़ पसंद है, वो क्या चीज़ खाता है या खाती है. ठीक है, और इट इज़ फॉन्ड ऑफ फिश, इट इज़ फॉन्ड ऑफ एनीथिंग एल्स. ठीक है, जिस भी चीज़ को जो वो पसंद करता हो. ठीक है, देन It plays with me. ठीक है, एक लाइन और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर वो मेरा पेट है तो वो फिर उसकी मेरे साथ बहुत सारी फ्रेंडशिप भी होगी. ठीक है, तो वो फिर मेरे साथ खेलेगी भी, चाहे वो कैट है चाहे वो कोई भी आपका पेट है, तो वो आपके साथ, आप उसके साथ टाइम पास करते हैं, आप उसके साथ खेलते हैं, वो भी इंजॉय करता है, तो इसको भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, देन आई लाइक माई कैट. ठीक है, तो लास्ट पे हम उसको बोलेंगे कि मुझे तो भाई अपनी कैट बहुत पसंद है. आपका जो भी पेट होता है आपको पसंद होता है, आप उससे प्यार करते हैं, देन यू कैन राइट दिस सेंटेंस. ठीक है, दीज आर सो वेरी सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, आप इनको लिखना है, और ये इसलिए इतने ज़्यादा सिंपल किए गए हैं ताकि आप इनको याद भी करें. ठीक है, तो फिर हम आपका टेस्ट लेंगे. नाउ दिस इज द होल यू कैन से एसे. ठीक है, देर आर सिक्स लाइन्स, वेरी सिंपल लाइन्स. ओके, यू कैन सी हियर, आपने डे डे उसी तरीके से लिख के आपने अपना पेज प्रिपेयर करना है अपनी नोटबुक के ऊपर. ठीक है, और आपने लिखना है, नंबरिंग करनी है अपनी लाइन्स की. नंबर वन इज आई हैव अ पेट कैट. ओके, इट्स नेम इज मानो. इट ड्रिंक्स मिल्क. इट हैज ब्लू आईज. इट प्लेज विद मी. आई लाइक माई कैट. ओके, नाउ लुक एट दिस, के ये जो नंबरिंग सारी है ये आपकी लाइन से बाहर होगी. ठीक है, और जो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है दैट विल बी कैपिटल, बट यहाँ पर सिर्फ मानो का जो एम है वो कैपिटल होगा, बाकी आपने यहाँ पर कुछ भी कैपिटल नहीं लिखना. मानो का एम क्यों कैपिटल होगा बेटा, बिकॉज दिस इज अ नाउन. ओके, नाउन जहाँ पर भी हम यूज करेंगे दैट विल बी कैपिटल. ठीक है, थैंक यू सो मच.